हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द न्यू चैप्टर व्हिच इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, वैसे ये चैप्टर में हम लोग कुछ 5 to 6 एप्लीकेशन पढ़ेंगे डेरिवेटिव की। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन को यूज़ करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है। जैसे कि किसी फंक्शन की या फिर किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई चीज़ मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, कितनी मिनिमम हो सकती है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है और कब होगी, वो भी फाइंड कर सकते हैं। बराबर, वैसे एक टॉपिक है ये पर्टिकुलर चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, मतलब कितनी रेट से हम सपोज हमारी हमारे घर पर जो ऊपर टाकी होती है पानी की टैंक, उसमें से अगर पानी कुछ फ्लो से हम बाहर निकालते हैं तो कितने टाइम में वो कम होगा, कितने टाइम में वो खाली होगी। बराबर, दैट इज़ वॉट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और वो सभी एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व होता है ना। उसके लिए कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा अगर एक बार मिल जाए तो वो डेटा से आप क्वेश्चंस जो क्रिएट होगा उस क्वेश्चन से आपको जो भी आंसर, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल सकते हैं, है ना। तो ये सब रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कोई फिगर है उसमें टेंजेंट फाइंड करना है, कितने टेंजेंट हो सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल, ये सभी चीज़ें अगेन ज्योमेट्रिकल बेस है। वो सभी अगेन यू कैन इजीली फाइंड यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, यूजिंग डेरिवेटिव आई मीन टू से देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ समथिंग। जैसे साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2, बट साइन 31 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली मतलब बहुत नज़दीक वाली वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगी। सो यूजिंग डेरिवेटिव यू कैन ईजिली फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सम डेटा, सम साइन थीटा और सम कॉस थीटा और टेन थीटा, वट एवर, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी उसकी यूजिंग डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू, बट वो सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। सो वो भी अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फाइंड करेंगे। सो ये चैप्टर वैसे भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो डेफिनेटली ये चैप्टर गुजरात बोर्ड वालों ने या फिर एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने ज़्यादा वेटेज रखा है इसका। बराबर, तो इसकी जो मार्किंग सिस्टम है, इसकी मार्किंग सिस्टम में सीबीएसई के पेपर में कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बराबर, एंड गुजरात बोर्ड की पेपर स्टाइल में कुछ 8 मार्क्स मैक्सिमम है। बराबर, और जो 8 मार्क्स है उसमें से 2 मार्क्स का इक्वेशन, एक एमसीक्यू होगा एंड एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से आएगा, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट टॉपिक होगा ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें से ही पूछा जाता है। सो खास वो टॉपिक तो देखना ही है। एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी किसी में से भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी। वैसे ये टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर ये 2020-21 बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई वालों ने निकाल दिया है। खैर, गुजरात बोर्ड में अभी कोई डिसीजन आया नहीं है, तो फिर भी हम लोग एक बार पढ़ तो लेंगे ही, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में सबसे पहला क्या करना है, आपको फार्मूलाज याद रख लेने हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सब फार्मूला कंपलसरी याद रखने हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये प्रिज्म वाले फार्मूला को, अभी प्रिज्म एंड पिरामिड के फार्मूला को आप ये पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी के पैटर्न से देखने जाए तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, हाँ, अगर ZEE वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मे बी यू नीड दिस फार्मूलाज, क्योंकि मे बी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। बाकी क्यूबॉइड, बराबर, क्यूबॉइड है तो आपको क्यूब का फार्मूला डेफिनेटली पता चल जाएगा, है ना। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम तो कभी एक्स क्यूब, एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा भाई, सरफेस एरिया फॉर क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 6x², है ना। तो ये क्यूब के लिए है, अगर क्यूबॉइड होता है तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि क्यूबॉइड में तीनों की तीनों साइड डिफरेंट होगी। फिर कौन के लिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बराबर, इतने फॉर्मूला है। और एक सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल, और जो एल है उसको हम क्या लिखते हैं भाई, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
है ना, ये जो कोण होता है ना, ये कोण, उसमें से ये डिस्टेंस एल होगा, ये आर और ये एच होगा. तो आई कैन से दैट दिस एल इज़ अ हाइपोटेनियस एंड दैट वी कैन फाइंड यूजिंग एच एंड आर का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ दिस, है ना, ये इससे हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये एक फार्मूला बाकी रह गया था. तो ये सभी फार्मूला नोट कर लेना आप अपनी बुक में, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, है ना. बाकी अगर ज़्यादा कोई फार्मूला यूज़ होगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में देख लेंगे. ओके, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक सिंगल सा, सिंपल सा. ये फर्स्ट टॉपिक में आप बस एक बार टॉपिक सॉरी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है प्रोसीजर पता चल गई, देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना. आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, बराबर. जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर दी है, ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे दी है, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, सरफेस एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, ठीक है. उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड वॉट एवर थिंग्स वी नीड टू, है ना. देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का फॉर्मूला तो हमको पता ही है. जैसे यहाँ पे मैंने 3D वाले सभी फार्मूला दिए है, बराबर. 2D वाले सभी फार्मूला मैं एज्यूम कराऊँ कि आपको पता है, जैसे सर्कल का सर्कल का एरिया, है ना, सर्कल का एरिया मैं एज्यूम कराऊँगा आपको पता है कि भी पाई आर स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सभी का एरिया आपको पता है, बराबर. ट्राइंगल के लिए, ये सभी के लिए फार्मूला जो है आपको पता है, वो सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ और बेस्ड ऑन दैट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बराबर. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल के एरिया की बात की जा रही है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लिख देना है पहले, तो दैट इज़ ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और मुझे फाइंड क्या करना है वो साइड में लिखते रहना है. मुझे फाइंड करना है इसमें ए लिखा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब चेंज इन एरिया, ठीक है, डी ए पर सेकंड, पर सेकंड लिखा है, इट मींस के हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है मतलब ये फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, एक मिनट, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू फाइव. सो ये जो चाहिए वो आर इक्वल टू फाइव जब हो तब चाहिए, बराबर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस वन, डी ए बाई डी टी, अच्छा डी ए बाई सपोज मैं डी ए बाई डी टी करता हूँ ना, यहाँ पे डी ए बाई डी टी, देन आई शुड हैव इन्फॉर्मेशन ओवर ईयर. मैं अगर इसको डिफरेंशिएट टी की रिस्पेक्ट में करता हूँ, क्योंकि मुझे डी ए बाई डी टी चाहिए, पर सेकंड चाहिए, बराबर. तो डी ए बाई डी टी करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये आर स्क्वायर का टू आर, देन डी आर बाई डी टी. पर चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो तो दिया ही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में कोई गलती है. तो ये जो है ना क्वेश्चन में गलती क्या है कि ये पर सेकंड जो है ना वो गलती है, ये एक्चुअल में नहीं लिख सकते. बिकॉज यहाँ पे उन लोग ने क्वेश्चन में ऐसी बातें, यहाँ पे तो मैंने अगर याद हो तो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब मैंने पढ़ा ना ये वाला, तब मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ था कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिखा है पर सेकंड भी लिखा है, तो ये दोनों चीज़ साथ में थोड़ी होगी, है ना. तो ये इसको निकाल दो, अब पढ़ो इसको. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. तो मुझे डी ए बाई डी एर डी आर फाइंड करना है व्हेन आर इक्वल टू फाइव, ठीक है. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर इक्वल टू, इसको पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का हो जाएगा टू आर, ठीक है ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू आर. तो ये हो गया टू पाई आर. अब मुझे फाइंड करना है व्हेन आर इक्वल टू फाइव, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 into r मतलब 5 into pi, that is 10 pi. So my answer is 10 pi. सेंटीमीटर जो है वो यूनिट है, पर रेडियस भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर. चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है. इतना एक सेंटीमीटर रेडियस चेंज होगा तो 10 pi जितना एरिया चेंज होगा, ओके. तो वंस अगेन इक्वेशन में पर सेकंड जैसी चीज़ें एक्चुअल में नहीं देनी चाहिए, फिर भी उन लोग ने दी है तो हम लोग ने ऐसे एक्सेप्ट कर ली बस, है ना. बाकी एक्चुअल में ये होना नहीं चाहिए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल टू देखते हैं. वंस अगेन क्वेश्चन को देख के क्या करना है, जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिखो, जो चीज़ें दी है वो लिखो, एंड एक फार्मूला लिखना होगा जिसके लिए हमको डिफ्रेंशिएशन चाहिए, बराबर. तीन चीज़ें करनी है हमको, एक जो डेटा है वो लिखना है,
जो चीज़ें फाइंड करनी है वो, एंड जो चीज़ें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, एंड एक फॉर्मूला लिखना है जिसके लिए हमको डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो आई थिंक वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जा रही है, तो क्यूब का वॉल्यूम तो वी इक्वल टू क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब। तो आई थिंक इससे हमको पहले फॉर्मूला तो मिल गया, इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो इंक्रीज़ हो रहा है बराबर, इसमें चेंज हो रहा है वॉल्यूम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पर सेकेंड लिख दिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने ले लिया, दैट इज़ इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 9 क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसा, ठीक है। तो ये डेटा दिया है पहले, फिर हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया में एस सिंबल दे देता हूँ, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब सरफेस एरिया में कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है, बराबर इंक्रीज हो रहा है मतलब कितना चेंज हो रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर बराबर, अगेन कितने स्पीड से उसमें चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो भी हमको समझना क्या है, तो ऊपर वाले डेटा के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही ये चेंज हो रहा है बराबर। तो वो फाइंड करना है, डी एस बाई डी टी फाइंड करना है, और वो कब फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना है व्हेन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एज एक्स वो कितनी है 10, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जब एक्स की लेंथ 10 हो तब डी एस बाई डी टी फाइंड करो। वापस पढ़ो एक बार, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी स्पीड से सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, तो डेफिनेटली टाइम, जैसे वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली सर्फेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज करेंगे, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज व्हेन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मुझे ये फाइंड करना है, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिल जाएगा, ये मैंने क्यों लिख दिया, मैं क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जा रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख के तुरंत पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है भाई, डी वी बाई डी टी है रख दो 9, 3 इंटू एक्स मतलब क्या है 10 है ना, जब 10 है तब वो सिचुएशन में करना है, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये मैंने फाइंड कर लिया। चलो तो डी एक्स बाई डी टी क्या मिला मुझे, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मिली मुझे 3/100, ठीक है 3/100। ओके, अभी फिलहाल यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट आप लास्ट में लिख लेना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, डी एस बाई डी टी, तो जो चीज़ें फाइंड करनी हो उसका एक फॉर्मूला लिखो है ना, तो एस का फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैंने क्या बताया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में बताया था 6x² है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6x². ओके, अब अगेन उसको भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एस बाई डी टी जो मुझे फाइंड करना है, 6x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी 6 एज इट इज, x² का 2x इंटू एक्स का फिर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये 6 × 2 = 12, x की वैल्यू है 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 है, एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, देखो आपने यहाँ पे 3/100, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 10 कैंसिल और 12 36/10 दैट इज 3.6 है ना, 3.6 क्या होगा यूनिट, तो इसमें सब कुछ क्या दिया, किस में दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in circles at the speed of 4 cm per second. अच्छा ऐसा, ये सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझो, समझ लो ये एक लेक है बराबर, ये एक लेक है, क्वाइट लेक है मतलब उसमें पानी स्थिर है, उसमें एक स्टोन हम डाल रहे हैं भाई, अ स्टोन इज ड्रॉप इन टू दिस लेक एंड वेव्स, तो ये एक वेव्स जनरेट करता है बराबर, ये डेफिनेटली वेव्स जनरेट करेगा, ऐसे वेव्स जनरेट करेगा बराबर। अब ऐसा किया, ऐसा पूछा है कि वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, वो सर्कल में मूव कर रहा है बराबर, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल शेप में मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 4 cm/s,
जी अच्छा, ये जो यूनिट दी है वो यूनिट कौन सी दी है? तो ऐसी दी है ना, ऐसे बाहर की साइड मूव करेगा, बराबर। तो ये यूनिट जो दिया है वो सेंटीमीटर दिया है, मतलब सिंगल एक डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में भी 4 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में भी 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया है? तो ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस का चेंजेस दिया है ना, सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है ना, क्या दिया है? सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेडियस से बढ़ रहा है। तो यही एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन में, कि हमको जो डेटा दिया गया है उसको प्रैक्टिकली, जो डेटा है उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमको क्या दिया है एक्चुअल में, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग को यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई रेडियस में इतना चेंज हो रहा है, भी 4 सेंटीमीटर की स्पीड से रेडियस बढ़ रहा है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी हैव इंटरप्रिटेड फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना। वंस अगेन, कि एक स्टोन है बराबर, उसको हमने तालाब में डाला, वो एक वेव जनरेट किया उसने, और वो जो वेव है वो सर्कुलर फॉर्म में है, और वो जो सर्कल है वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है भाई, वो सर्कल जो है वो ऐसे बढ़ते जा रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ते जा रहा है। तो आपको दिख रहा है कि भी ये जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कल जो बढ़ेगा तो वो तो सभी डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। तो एक्चुअल में बढ़ क्या रहा है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे बढ़ रहा है भाई उसका रेडियस, है ना। एट द इंस्टेंट, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ये बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर उसमें, वो पर्टिकुलर इंटरवल में, कोई एक पर्टिकुलर सेकंड पे या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, टी इक्वल टू एक पर्टिकुलर सेकंड या टाइम पे, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एनक्लोज्ड एरिया मतलब DA/DT, एरिया है ना, एरिया ऑफ दैट सर्कल, एरिया ऑफ दैट सर्कल, जो सर्कल है ना उसका एरिया, जब ये R कितना हो, स्पेसिफिकली जब R 10 हो, तब ये एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा होता है वो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। चलो और, चलो और कुछ नहीं है ना, यही डेटा है। तो एरिया की बात की जा रही है भाई, एरिया की बातें की जा रही है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर। फाइंड करना है DA/DT, तो DA/DT इक्वल टू 2πr इंटू DR/DT। अब क्या मेरे पास सब डेटा है क्या? तो यस, R की वैल्यू है 10, DR/DT की वैल्यू है 4, तो रख दो 2π इंटू 10 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 80π, 80π, और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो एग्जांपल 4 देखते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। तो चलो एक रेक्टेंगल ले लिया, उसकी लेंथ है वो एक्स है, चलो उसकी लेंथ लिख ली एक्स, सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अच्छा लेंथ में चेंज हो रहा है बराबर, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी डिक्रीज हो रही हो ना, कोई चीज़ें डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो उसको नेगेटिव लिखने की आदत डाल दो, ठीक है। और जब कोई चीज़ें बढ़ रही हो तो वो पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विथ वाई इज इंक्रीजिंग, तो वाई जो है वो ये है, डेफिनेटली वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें पॉजिटिव ही रखेंगे, कितनी होगी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अगर यूनिट में कोई चेंज होता, ये मिनट है यहाँ पे सेकंड होता, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते लास्ट में, हाँ मतलब पहले से ही बराबर, बट यहाँ पे सभी यूनिट सिमिलर है, सो आगे बढ़ते रहेंगे। वन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। मतलब पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है भाई, पहली चीज़ फाइंड करनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू DT है दिया, आप यहाँ पे मिनट दिया है नीचे, तो सभी जगह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, मतलब DP/DT फाइंड करना है, बट कब, जब x इक्वल टू क्या हो, जब x एंड y की वैल्यू क्या हो, 10 एंड 6, जब x 10 हो y 6 हो, वो पर्टिकुलर टाइम पे DP/DT फाइंड करनी है। एंड दूसरा d
पैरामीटर और दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहाँ कहाँ पे, कौन से टाइम पे, वही x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6 हो तब। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन पे। ये हो गया क्वेश्चन एंड डेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें फाइंड करनी हो उसका फॉर्मूला अगर बन जाए तो पहले वो बना लो। तो पैरामीटर अगर हमको आगे किसी चीज़ के बारे में पता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में कौन सा फॉर्मूला रखे, तो रेक्टेंगल के बारे में फॉर्मूला, पैरामीटर के बारे में पूछा है तो पैरामीटर का फॉर्मूला रख लो पहले। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, रेक्टेंगल का पैरामीटर है 2x प्लस 2y, है ना। रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होगा भाई, ये x और ये x, 2x y प्लस y 2y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2, तो दोनों में कॉमन है बराबर, x प्लस y का क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख लो, डी एक्स बाई डी टी का क्या दिया है भाई, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी दिया है माइनस 3 और ये दिया है 2। तो ये फाइनल आंसर होगा माइनस 3 प्लस 2, दैट इज माइनस 1 इंटू 2 विच इज माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये पैरामीटर में मिला चेंज मुझे, क्या मिला, माइनस 2, मतलब 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर में कितना चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से डिक्रीज हो रहा है पैरामीटर। एंड दूसरा क्या दिया है भाई, कोई क्या पूछा है, दूसरा दूसरा पूछा है चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जिस चीज़ के बारे में पूछा हो उसका फॉर्मूला लगा दो पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू वाई। ठीक है, सो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा भाई, जो फाइन करना है, तो x पहले एज इट इज़, y का डी वाई बाई डी टी प्लस y एज इट इज़, x का डी एक्स बाई डी टी रख लो। चलो वैल्यू, x की वैल्यू है, x की वैल्यू 10 एंड 6 ना, 10 एंड 6, x की वैल्यू 10 है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2, y है 6, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3, सो इट बिकम 20 माइनस 18, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये मुझे मिला डी ए बाई डी टी चेंज इन एरिया पर टाइम। ओके, चलो तो ये हो गई हमारे चौथा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म, फोर्थ एग्जांपल भी ख़त्म। देन लेट्स गो विद द एग्जांपल 5। द टोटल कॉस्ट इन रुपीस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, मतलब एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री में, एंड प्रोडक्ट, ये कॉस्टिंग जो है ना उसका उन लोग ने फार्मूला दिया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्ट वगैरह तो कॉमर्स की लैंग्वेज है, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द मेन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट मतलब उन लोग ने क्या दिया है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब पूछा, मतलब फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट मतलब क्या है, सी, बराबर, सी, टोटल कॉस्ट है सी विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, दैट इज एक्स। ओके, तो चलो उन लोग ने सामने से ही दे दिया कि भाई मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, बट वो क्या है एक्चुअल में, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, सो वी नीड टू फाइंड डी सी बाई डी एक्स, अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सी, है ना, सी ऑफ एक्स, जो भी ये सी ऑफ एक्स है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। ओके, तो कर लेंगे, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, मतलब सी ऑफ एक्स है क्या, तो 0.05 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 3 विच इज़ 0.015, बराबर, एक्स स्क्वायर, पावर आगे पावर में कम, तो 5 3 15, माइनस 0.04x प्लस 30। ओके, तो ये हो गया dc बाई डी एक्स, बट एट व्हाट पर्टिकुलर, यस, एट 3 यूनिट्स, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, बराबर, जब क्वांटिटी 3 यूनिट्स हो तब।
तो दिस वन वी नीड टू फाइंड एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 रख देते हैं इसके अंदर, 3 जा 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 बराबर, यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखा है, 3 यूनिट, ठीक है। तो चलो फाइनली इसका आंसर क्या होगा भाई, 15 9 जा 135 ना, तो 135 आई थिंक माइनस 0.12 प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 30.015, ठीक है। और ये कॉस्ट है ना रुपीस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, मार्जिनल कॉस्ट किसमें है भाई, रुपीस, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, तो रुपीस पर यूनिट, सो दिस इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट वी हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, देन गो विथ एग्जांपल नंबर 6, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द दैट इज आर एक्स दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, 3x² प्लस 36x प्लस 5, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। ओके, रिवेन्यू फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पे उन लोग ने सामने से ही देख दिया है कि भाई मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स व्हाट, उसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब ये रिवेन्यू है ना, यही रिवेन्यू है, रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू दैट इज आर ऑफ एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू With respect to the number of item cell x unit, number of item x, that is what we need to find, that is what marginal revenue, okay, and that is equal to what, agar mujhe ye find karna ho to finally marginal revenue kitna hoga bhai, to isko differentiate kar lo, d by dx of rx मतलब 3x² प्लस 36x प्लस 5, और यहाँ पे भी कुछ x तो दिया ही होगा, कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 5 है तब, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x इक्वल टू 5, ठीक है। सो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, 3x² का 6x प्लस 36 और रख देते हैं x की वैल्यू 5, तो 6 इंटू 5 प्लस 36 दैट इज 30 प्लस 36 विच इज 66, और ये भी अगेन रुपीस में होगा पर यूनिट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 6 के 6 एग्जांपल ख़त्म शुरुआत के, एंड एग्जांपल 6.1 सॉरी एक्सरसाइज 6.1 के आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 जो वो स्टोन वाला मैंने बताया था वो, तो स्टोन वाला कर लोगे, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3, व्हाट इज, ये भी मेरे ख्याल से क्यूब का क्वेश्चन है बराबर, क्यूब के लिए वॉल्यूम वगैरह सब क्वेश्चन है, तो वो भी हो जाएगा। फिर रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ये सर्कल का क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन डू दिस, ये 1 से 5 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। देन ट्राई 6.1, 7th वन रेक्टेंगल का था, 8th, खैर अगर 8th में प्रैक्टिकली क्वेश्चन है बलून का स्फीयर का वो पता नहीं होगा मे बी, तो ये मत करना, ये भी मत करना, बट हाँ यस कहाँ पे है ये क्वेश्चन भी मत करना अभी फ़िलहाल मत करना, बट हाँ ये 15-16 कर लेना, क्योंकि 15-16 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वगैरह उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करके करना है वो, और रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वही, सी यहाँ पे उन लोग ने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि भी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है बराबर, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू टोटल यूनिट, वो नहीं दिया है फिर भी हमको याद रखना है वो दोनों फॉर्मूला है ना, ये दोनों फॉर्मूला हमको याद रख लेनी है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू टोटल यूनिट, एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट दैट इज सी विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट, ये याद रख लेना, अगर उन लोग ने ये सेंटेंस नहीं दिया हो तो हम यूज़ कर सकते हैं है ना, ये पीछे का सेंटेंस जो है वो नहीं दिया हो तो हम यूज़ कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पे भी दिया था बट एक्सरसाइज में नहीं दिया है वो सेंटेंस, सो वी कैन यूज़ इट ओवर देयर ऑल्सो। सो बस आप ये बीच वाले क्वेश्चन मत करना, कितने 8 से लेके 14 तक के क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। अब बाकी के क्वेश्चन ट्राई करो, 1 से 7, 1 से 7 एंड 15, 16, बराबर इतने क्वेश्चन आपको कोशिश करने हैं एंड एनी हाउ सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।